हम सभी चाहते हैं रोज सुबह एक हल्का फुल्का टेस्टी फटाफट बनने वाला नाश्ता जो हेल्दी भी हो, कम ऑयल भी लगे और घर में रखी चीजों से आसानी से बन जाए और सबको पसंद भी आए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत बहुत टेस्टी यूनिक स्टाइल की रेसिपी जिसे मैं बनाऊंगी गेहूं के आटे से, जो आपने इससे पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, बहुत कम ऑयल में, सिंपल, सरल और क्विक। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नए तरीके के इस हेल्दी और टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए आप लीजिए इस तरह का कोई बड़ा बर्तन और इसमें मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच मैंने लिए हैं सफेद तिल। तिल का टेस्ट नाश्ते में बहुत ही अच्छा आता है, इसे आप जरूर डालिएगा। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स अगर ना हो तो आप इसमें सिंपल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से हमारा नाश्ता क्रिस्पी और खस्ता करारा बनेगा। अब हम पहले सभी चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें एक इसका डो बनाना है। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा लगाकर तैयार करते हैं ना, ठीक वैसा ही आटा हमें गूंद कर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और बहुत ज़्यादा गीला नहीं। यहाँ मैंने डो बना लिया है, देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। अब आटे को 10 मिनट के लिए रख देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम और तैयारी कर लेंगे। यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ ये मैंने ली है 2 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। साथ ही इसमें डालेंगे 1 महीन ग्रेट की हुई गाजर। इस तरह सब्जियों से स्टफिंग बनाने से हमारा नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, साथ ही हेल्दी भी हो जाएगा। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब स्नैक्स को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मेयोनी और इसी के साथ 2 चम्मच टोमेटो सॉस। मेयोनी और टोमेटो सॉस से हमारा नाश्ता इतना टेस्टी बनेगा कि आप रोज नाश्ते में इसे ही खाना चाहेंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग जाएगा इसमें नमक और इसी के साथ 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ऑर्गेनो जो पिज्जा में डालते हैं, इसकी जगह पर अगर आपके पास पिज्जा सीजनिंग हो तो उसे भी डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसमें सिंपल चाट मसाला भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मैंने जो भी वेजिटेबल इसमें यूज़ की हैं आप इसमें से अपनी पसंद अनुसार कुछ घटा बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जियां डालकर इस तरह का मिश्रण तैयार कर सकते हैं। अब हमारी बहुत ही डिलीशियस सी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। इधर 10 मिनट भी हो गए हैं और हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है, तो एक बार इसे मसल लेंगे। अब इसमें से थोड़े से आटे को लेकर इसे गोल और स्मूथ कर लेंगे और इसकी एक लोई बना लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा या ऑयल लगाकर आप इसे बेल सकते हैं। हमें मीडियम थिक बेलना है इसे, देखिए इतना मोटा रखना है इसे। अब आप लीजिए कोई इस तरह का बर्तन, ग्लास या कटोरी और इसे इस पर रखकर गोल साइज में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे एक एक पूड़ी बेलकर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो स्नैक्स का साइज एक सा रहेगा और हमारा स्नैक्स देखने में अच्छा लगेगा। अब इस आटे को हटाकर हम बचे हुए आटे में मिलाकर दोबारा बेल लेंगे और इस तरह की पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी एक साइज की पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं और यहाँ मैंने सारी पूड़ियों को बेलकर तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले लेंगे हम बनाई हुई पूड़ी और जो हमने स्टफिंग बनाई थी ना उसमें से थोड़े से मिश्रण को इस पर रखेंगे, लगभग 1/2 चम्मच। पूड़ी के साइज के हिसाब से स्टफिंग की क्वांटिटी को आप थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमें केवल इसके बीच में ही रखना है, किनारे छोड़ देना है। अपने नाश्ते को चीजी टेस्ट देने के लिए यहाँ मैंने ली है चीज़। ये मैंने चीज़ क्यूब्स लिए हैं जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर मोजरेला चीज़ भी ले सकते हैं।
थोड़ा थोड़ा चीज इसके ऊपर रख देंगे। सच मानिए फ्रेंड्स, इतना टेस्टी ये स्नैक्स बनता है कि आप इसके सामने पिज्जा, समोसा, कचौड़ी भी भूल जाएंगे। आप इसे बनाकर जरूर देखिएगा। चीज स्प्रेड करने के बाद फिर से इसके ऊपर रख देंगे थोड़ी सी स्टफिंग और हल्के हल्के से इसे प्रेस कर देंगे। अब इसके किनारों पर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। और अब दूसरी पूड़ी को लेकर इसके ऊपर रखकर किनारों को इस तरह से प्रेस कर दीजिए जिससे ये अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते समय स्टफिंग बाहर ना आए। सभी को हम इस तरह से अच्छे से चिपका लेंगे। और अब लीजिए एक फॉर्क और फॉर्क से इसके चारों ओर थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से प्रेस कर दीजिए। इससे ये देखने में सुंदर भी लगेंगे और ये फ्राई करते समय खुलेंगे भी नहीं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा स्नैक्स। इस तरह से सभी को हम तैयार कर लेंगे। और यहाँ मैंने सारे ही स्नैक्स को बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब इन्हें करते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक पैन में थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि मैं इन्हें सेलो फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तो एक एक करके स्नैक्स को फ्राई होने के लिए पैन में रख देंगे। जितना पैन में स्पेस हो उसी हिसाब से आप स्नैक्स को पैन में रख दीजिए और आप मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे जिससे ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। आंच को तेज नहीं करना है। तेज आंच पर इनमें ऊपर तो ब्राउन कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। अगर मध्यम आंच पर इन्हें फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से सिकेंगे और क्रिस्पी, खस्ता करारे हो जाएंगे। इतने टेस्टी होते हैं कि इन्हें एक बार बनाने के बाद आप समोसा कचौड़ी तो बनाएंगे ही नहीं। इसमें एक साथ आपको तीन तीन टेस्ट मिलेंगे, पिज्जा का, समोसा का और कचौड़ी का। गेहूं के आटे से बना है इसलिए ये नुकसान भी नहीं करेगा। जब ये नीचे से सिक जाए तो धीरे से इन्हें पलट देंगे और इसी तरह से एक दो बार उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन और खस्ता क्रिस्पी करारे होने तक इन्हें सेक लेंगे। बच्चे तो इसे खूब मन से खाएंगे क्योंकि उनका मनपसंद चीज जो इसमें पड़ा है अब बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर इसमें आ गया है और ये क्रिस्पी करारे भी हो गए हैं। तो अब इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा गेहूं के आटे से बना हुआ स्नैक्स। इसी तरह से हम बचे हुए स्नैक्स को भी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी करारे होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारा ये वेज भी तैयार हो गया है। इसे भी अब हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल को इन्होंने बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है। बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हुआ है ये स्नैक्स। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही मजेदार, यम्मी, झटपट बनने वाला, सुपर टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स है बिल्कुल तैयार। इतना टेस्टी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और ये देखिए इसका क्रिस्प, परफेक्ट नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। मेरे काटने से आपको पता चल गया होगा कि ये कितने खस्ता करारे बने हैं। और ये देखिए इसके अंदर का टेक्सचर, एकदम चीजी बेजीज की स्टफिंग के साथ। मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा इसे। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।